हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका अपने चैनल यमी टमी संगीतास देसी किचन में। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी तरीके से मटन बिरयानी। इसके लिए हमने लिया है 2 किलो बासमती चावल, 1.5 किलो मटन, 6 से 7 प्याज को हमने काट के लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट 5 चम्मच, 300 ग्राम खट्टा दही, 3 चम्मच बिरयानी मसाला, स्वाद अनुसार नमक, 200 ml केसर वाला दूध, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच शाही जीरा, 400 ml देसी घी, पुदीना, धनिया पत्ता, नींबू, हरी मिर्च, सूखी मिर्च और सारे खड़ा मसाले। सबसे पहले मटन को धो के एक पतीले में रखेंगे। अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, पुदीना, धनिया पत्ता और दही, और इन सब को मटन के साथ अच्छे से मिलाएंगे। अभी इसमें नींबू का रस डाल के 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। अभी चूल्हे में पतीला बिठाएंगे और इसमें 200 ml जितना घी डालेंगे। घी गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे प्याज और इसे ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। प्याज ब्राउन कलर हो चुका है, अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अभी पतीले में फिर से थोड़ा सा घी डालेंगे और इसमें डालेंगे शाही जीरा, हरी मिर्च, सूखी मिर्च और खड़ा मसाला। अभी इसमें चम्मच चलाएंगे और इसमें चावल को डालेंगे। चावल को हमने पहले से ही धो के रख लिया था। अब चावल में थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के अच्छे से मिलाएंगे। अभी इसमें डालेंगे 4 लीटर पानी और चावल को पकाएंगे। अब हमारा चावल पक चुका है, अभी इसे चूल्हे से उतार लेंगे। अभी हम पतीले में थोड़ा सा घी डालेंगे। अब इसमें खड़ा मसाला और मटन को डालेंगे और इसे थोड़ी देर मिला के ढक के अच्छी तरह पकाएंगे। बीच बीच में हमें ढक्कन हटा के इसे मिलाते रहना है। अब हमारा मटन पक के तैयार हो चुका है, इसे आप चूल्हे से नीचे उतारेंगे। अभी एक पतीले में थोड़ा सा घी डाल के हमारे चावल, मटन, भुना हुआ प्याज और थोड़ा पुदीना और धनिया डाल के इसका लेयर बनाएंगे। आप देख सकते हैं हमने इस तरीके से लेयर बनाया है। अब इसके ऊपर डालेंगे बिरयानी मसाला, केसर वाला दूध और 2 चम्मच घी। अभी इसे ढक के 15 से 20 मिनट के लिए गर्म चूल्हे पे बिठाएंगे।
अब हमारा स्पाइसी मटन बिरयानी बनके तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और हमारे नए वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।